हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म करेंगे और उसके एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे पास एक कार्डबोर्ड है और एक पेपर है, ब्लैंक पेपर होगा और हम इसको फिक्स कर लेंगे पिंस की मदद से। तो सबसे पहले हम पिंस का यूज़ करके इसको फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। अब हम फिक्स कर रहे हैं इसको, कर दिया। अब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो प्रिज्म का बेस बनेगी। तो प्रिज्म का ये बेस होगा और इस पे प्रिज्म हम लोग यहाँ रखेंगे और अब यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेंगे जो हमारा नॉर्मल जहाँ से परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल अब हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो नॉर्मल के लिए हम लोग इस पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे और यहाँ पे इसको पॉइंट कर लेंगे। अब इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा नॉर्मल हो जाएगा। ये लाइन हम लोग की हो जाएगी N1, यानी फर्स्ट नॉर्मल। अब हम रिफ्रैक्शन करेंगे तो इंसिडेंट रे हमारी जो होगी, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा जो होगा वो 45 डिग्री होगा। तो हम यहाँ से एक पॉइंट ले लेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे बनाएंगे हम लोग 45 डिग्री पर। तो ये रहा हमारा 45 डिग्री और ये रही हमारी इंसिडेंट रे। अब हम प्रिज्म का आउटलाइन बनाएंगे, पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारा प्रिज्म का आउटलाइन हो गया। अब हम लोग प्रिज्म इंसिडेंट रे पे दो पिंस लगाएंगे। ये हमने दो पिंस की यूज से हम ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये एंगल जो होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये है 45 डिग्री। अब हम लोग प्रिज्म की मदद से रिफ्रैक्टेड रे को बनाएंगे। तो जी, अब हम जो इमेज बन रही है उसके सामने एक पिन लगाएंगे ताकि हम लोग रिफ्रैक्टेड रे को बना पाएँ। तो हम दो पिंस लगा लेंगे ताकि हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बना पाएँ। तो ये हमारा सेकेंड पिन है और हमें पिन लगाते समय ये देखना पड़ेगा कि जो दोनों जो सारे पिन लगे हुए हैं, जिसकी इमेज बन रही है और जो हम पिन लगा रहे हैं, वो सब एक लाइन में, यानी एक अलाइन में हो ताकि रिफ्रैक्टेड रे हमारी अच्छे से बन पाए। जी, अब हम इन दोनों पिंस को हटा लेंगे और इन दोनों पॉइंट को लोकेट कर लेंगे यहाँ पे। ये फर्स्ट पॉइंट था जहाँ पिन था और ये सेकेंड पॉइंट है, ठीक। अब इन दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड हो जाएगी। तो ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और अब हम लोग यहाँ पे ये हमारी इमर्जेंट रे होगी और ये प्रिज्म के अंदर से जो रे आ रही है उसको भी हम लोग मिला लेंगे, यानी एंगल ऑफ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे प्रिज्म के अंदर थोड़ा सा। तो इसको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग, हाँ हो गया। और फिर यहाँ पे इस पॉइंट से हम लोग एक नॉर्मल बनाएंगे जो हमारी सेकेंड नॉर्मल होगी। तो उसके लिए हम लोग प्रोटेक्टर से एक और नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। ये हम लोग का सेकेंड नॉर्मल होगा तो इसको हम लोग नेम दे देंगे N2। अब जो एंगल बनेगा N2 और इस रिफ्रैक्टेड रे या इमर्जेंट रे के बीच में, उसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम लोग इसको मेज़र करें तो हम लोग मिलेगा कि ये हमारा 45 का ही होगा क्योंकि हमने इंसिडेंस भी 45 लिया है। सॉरी फ्रेंड्स, ये जो नॉर्मल सेकेंड और इमर्जेंट रे के बीच का एंगल होगा वो 55 डिग्री होगा मेज़र करने के बाद। अब
हम लोग इस जो इंसिडेंट रे है उसको एक्सटेंड करेंगे, तो इसको एक्सटेंड करेंगे जब, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और इस जो इमर्जेंट रे है इसको भी हम लोग एक्सटेंड करेंगे इस डायरेक्शन में, तो ये तो इस इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे को एक्सटेंड करने पे इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ डेविएशन होगा, और इसको हम लोग डेल से डिनोट करते हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन बोलेंगे, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और इसको ऐसे हम लोग डेल भी बोलते हैं। तो ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये एक और एंगल होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है हमारे इस रिफ्रैक्शन में, ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि ए से डिनोट होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, और इसका एक्सपेरिमेंट था। थैंक यू।